किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, यह साफ हो जाएगा 3 दिसंबर को जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे। पर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी काउंटिंग को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी की बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि काउंटिंग को लेकर सभी जरूरी दिशा निर्देश भाजपा उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि बता दिया। साथ ही दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पर FIR क्यों नहीं होगी, क्या कानून दिग्विजय सिंह की जेब में है? चुनाव नतीजे क्या होंगे इसको लेकर सभी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। इसी बीच काउंटिंग को लेकर भोपाल में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री शिवराज बोले कि सब तरफ आनंद की वर्षा हो रही है, काउंटिंग को लेकर सभी जरूरी दिशा निर्देश भाजपा उम्मीदवारों और जिला अध्यक्ष को दिए जाएंगे। सब तरफ आनंद की वर्षा हो रही है, सब जगह कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है, आने वाले समय में क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार को अपना हिसाब किताब जमा करना होता है, काउंटिंग की तैयारियां करनी होती है, उन सब विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है और सीधे उम्मीदवारों से भी और जिलाध्यक्षों से भी हम लोग चर्चा करके जो आवश्यक है वो निर्देश देंगे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा ने काउंटिंग को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है, काउंटिंग एजेंट को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बूथ बूथ में भाजपा कार्यकर्ता एक्टिव है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए राहुल गांधी के विवादित बयान पर बीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती शब्द का उपयोग करके राहुल गांधी ने देश के 130 करोड़ लोगों का अपमान किया है, ये राहुल ही बोल सकते हैं। राहुल गांधी, आपको देश देख रहा है कि आपकी मंदबुद्धि कितनी है। वहीं कांग्रेस समर्थक सलमान की हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह पर FIR क्यों नहीं होगी, क्या कानून दिग्विजय सिंह की जेब में है, क्या दिग्विजय सिंह इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि वो कानून का उल्लंघन करेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर उन्होंने अपनी मंद बुद्धि को जनता के सामने आज वो लेकर के आए हैं और ये इस प्रकार के पनौती शब्द का उपयोग करके उन्होंने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है, ये राहुल गांधी ही बोल सकते हैं। और राहुल गांधी जी, आपको देश देख रहा है कि आपकी मंद बुद्धि कितनी है कि जिस दुनिया के लोकप्रिय नेता को 12 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हो और आप इस भाषा का उपयोग करते हैं, देश के अंदर कांग्रेस नेस्तनाबूत हो रही है और आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, आपने 130 करोड़ जनता का अपमान किया। क्यों नहीं FIR होगी, क्यों नहीं होगी, क्या कानून दिग्विजय सिंह जी की जेब में है, क्या वो इतने बड़े आदमी हो गए कि कानून का पालन नहीं करेंगे, प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एक झूठे अपराध के पंजीबद्ध होने पर आपको लगता था कि आपका गुंडे जमा आपकी दादागिरी चलेगी, आचार संहिता का उल्लंघन किया, वहां लोगों को भड़काया, मैं तो कहता हूं और धारा लगनी चाहिए इनके ऊपर कि आपने लोगों को प्रवोक किया मारने के लिए और झूठे पंजीबद्ध प्रकरण पर आपने वकालत की जाकर बिना किसी अनुमति के आपने धरना दिया। कानून अपना काम कर रहा है, कानून किसी के हाथ में नहीं है, कानून अपने से काम करता है, प्रशासन ने जो काम किया है, बल्कि मेरा तो आरोप था कि प्रशासन ने उनको धरना कैसे देने दिया, मेडिकल बैठक लेके आया हूं अनुमति लेकर के, तो इसलिए उन्होंने कानून का घोर उल्लंघन किया, प्रशासन ने कार्रवाई की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।